हे गाइस इसमें बस सबसे वो क्या चाल है तुम सबके आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो बाय द वे वी बैक वी बैक विद रियल हॉरर स्टोरीज आई नो नो में से बहुत लोग रियल हॉरर स्टोरीज का वेट कर रहे थे और बीच में मैंने सीरीज निकाली थी अगर तुमने नहीं देखी तो तुम देख सकते हो जिसमें यू नो रियल नहीं था बट खुद से कुछ स्टोरी बनाई थी जो कि मैंने तुम्हें बताई थी तीन पार्ट की ये सीरीज़ अगर तुमने नहीं देखी है यू कैन गो एंड चेक इट आउट और यस सो आज की जो स्टोरी है वो है सलोनी की साइड से आ रही है और ये स्टोरी है आज से पाँच या छः साल पुरानी थैंक यू सलोनी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस और अगर तुम्हें भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है यू कैन शेयर योर स्टोरी है सो लेट्स नाउ स्टार्ट दिस वीडियो सो आज से पाँच साल पहले सलोनी जम्मू में गई थी क्योंकि उसे एम करनी थी वहाँ पे एक हॉस्टल है जहाँ से उसे एम करनी थी सो so, जम्मू में सलोनी एडमिशन लेती है सो so, सलोनी अपने घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुँच जाती है जम्मू के हॉस्टल में एंड वहाँ पे उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है क्योंकि हॉस्टल में ऑब्वियसली तो कुछ सेम नहीं होता सब कुछ अलग होता है और सलोनी इससे पहले कभी यू नो घर से बाहर नहीं आई थी घर वालों के बिना नहीं रही थी तो उसके लिए बहुत हार्ड था कि जाके एकदम से जम्मू में जाना और एक हॉस्टल में जहाँ पे तुम्हारा कोई नोन भी नहीं हो और सब अनजान हो उनके साथ रहना तो वो थोड़ा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था सलोनी के लिए बट वहाँ पे वो जाती है एंड एक दो हफ्ते मतलब उससे थोड़ा सा अजीब लगता है बट धीरे धीरे आदत हो जाती है और काम मिल जाते हैं करने को प्रोजेक्ट्स होते हैं क्लासेज होती है दोस्त बन जाते हैं तो सब कुछ सही चल रहा होता है ठीक है तो ऐसे कर करके सलोनी के दोस्त बन जाते उसके तीन चार काफ़ी ख़ास दोस्त बन जाते हैं बेस्ट फ्रेंड्स जो कि उसके साथ हमेशा ही रहते थे सो ऐसे कर करके एक दो महीने बीत जाते हैं एंड अब सब कुछ सही चल रहा होता है बड़ा मज़ा आ रहा होता है सलोनी को हॉस्टल में अपने ग्रुप के साथ रहना अपने ग्रुप के साथ सारी चीज़ें इंजॉय करना एंड दो महीने बाद ना एक न्यू कमर आती है एक नई लड़की जिसका नाम होता है सिया तो जब सिया आती है तो सब सिया को देखते हैं क्योंकि सिया की जो फ़र्स्ट अपीयरेंस होती है वो ऐसी होती है कि एक शरीफ सी लड़की जो कि एक मंदिर साथ में लाई है साईं बाबा का सा। वेल सिया के बारे में तुम्हें मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ सो सिया साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है वो हमेशा साईं बाबा को साथ रखती है हमेशा उनकी पूजा करती है एंड सिया हमेशा सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती है कभी भी उसे किसी और कलर के कपड़े पहने नहीं देखा किसी ने उसने जब भी पहने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने सो so, किसी किसी को ये बात थोड़ी अजीब लगती थी किसी किसी को समझ आता है कि ठीक है साईं बाबा जी की भक्त है तो मे बी दैट्स वाई बट यही था तो ये थी सिया सो so, सिया जब एंटर करती है वो उसे मिलता है सलोनी वाला रूम सलोनी के जो बेड होते हॉस्टल में ना सब एक साथ ही सोते हैं राइट जो बेड होते हैं ऐसे लाइन में लगे होते हैं फिर उसके सामने लगे होते हैं तो उस आ, सलोनी और उसके दोस्तों के ऐसे अगल बगल बेड होते हैं और उसके जो सामने वाला बेड होता है वो मिला होता है सिया को सो सिया वहाँ पर आती है अपना बेड वैड एडजस्ट करती है थोड़ा सबसे घुलने मिलने की कोशिश करती है सलोनी की भी वो दोस्त बन जाती है मतलब दोस्त नहीं कहेंगे बट अच्छे जब भी ये इनके बीच बातें हुई है बहुत अच्छे से बातें हुई हैं ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से सब चीज़ें शेयर करने लग गए कुछ बट सलोनी सिया से थोड़ी सी बड़ी है दो तीन साल बड़ी है सलोनी सिया से तो सिया सलोनी को दीदी दीदी -दी करके बुलाती है ठीक है तो सलोनी ने काफ़ी हेल्प करी थी सिया की जब वो नई आई थी कि उसे हॉस्टल का टूर करवाना और सब चीज़ें बताना कि यहाँ पर क्या चीज़ है कैसे होती है कहाँ पर क्या होता है सब सलोनी का एक बॉन्ड बन चुका था सिया के साथ सो so, सिया का जो नेचर था ना काफ़ी अलग था लाइक like, वो एक शांत सी लड़की थी जो सिर्फ अपने काम से काम रखती थी चुपचाप आती थी क्लास में बैठती थी पढ़ाई करती थी ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना थोड़े उसके दोस्त थे तीन चार उसके भी दोस्त थे जिनसे ठीक है गुल मिलती थी अच्छे से बातें करती थी बट नॉर्मली सिया ज़्यादा बातें बातें नहीं करती थी बट वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी मतलब वो वैसी लड़की थी जो एक बार पढ़ाई करती है तो सब समझ आ जाता है उसे सब वो याद रखती है वो सिया उस टाइप की लड़की थी जिससे उसकी क्लास में काफ़ी तारीफ़ की जाती थी कि वाह सिया तुम बहुत अच्छे कर रही हो सब हर जगह उसे एप्रिसिएशन मिलता था उसका नेचर भी ऐसा था कि ज़्यादा बोलना नहीं ज़्यादा अपने काम से काम रखना तो वो भी सबको पसंद आता था तो एक टाइप से सिया ना सबको पसंद आती थी एक टाइप से वो लड़की नहीं होती जो जो सबको पसंद आती है सबको ऐसा लगता है अरे वाह ये बहुत अच्छी लड़की है इसके इसके बारे में बुरा नहीं बोल सकते इसके बारे में कुछ बुरा नहीं कह सकते वो वैसी सिया थी वैसे कर कर के छः सात महीने बीत जाते हैं एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है सिया का रोज़ अपने मंदिर में जाती थी सिया रोज़ साईं बाबा की पूजा करती थी सुबह भी करती थी रात को भी करती थी और हमेशा सफ़ेद कलर के कपड़े पहनती थी ज़्यादा बोलती नहीं थी अपने अपने में रहती थी तो सलोनी और उसमें काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी इस टाइम पर तो सलोनी हमेशा सिया का केयर करती थी सिया एक शरीफ़ सी लड़की थी जब तुम्हें समझ आ ही गया होगा तो इसको कोई दिक्कत ना आए कोई कोई फालतू ना बोले इससे ये सब सलोनी देखती थी कि ठीक है सिया बढ़िया से चल रहा है सब कुछ राइट तो ऐसे कर करके छः महीने बीत जाते हैं वेल well, इन सब के बीच में ऐसा भी होता है कि उस क्लास में ना दो तीन लड़कियाँ होती हैं दो तीन लड़कियाँ होती हैं जिनको सिया बिल्कुल पसंद नहीं आती उन्हें उन्हें बहुत ऐसे कह सकते हैं तुम जेलैस टाइप होती है वो शायद सिया से कि सिया की हर जगह अप्रिसन हो रही है हर जगह सिया को पसंद किया जा रहा है तो उन्हें ना वो कुछ अच्छा नहीं लगता उन दो तीन जो लड़कियाँ होती हैं उन्हें उनका एक ग्रुप होता है हमेशा सिया को टॉन्ट मारती थी हमेशा ऐसे देखती थी जैसे कि सिया ने पता नहीं कुछ उनका बिगाड़ दिया या कुछ कुछ उनके साथ बुरा किया है तो ये चीज़ें सलोनी ने भी नोटिस करी थी ये चीज़ें सलोनी ने नोटिस की होती है कि यार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं सिया के साथ बार बार टॉन्ट मारना बार बार उससे पंगे लेना फालतू के जबकि सिया कुछ करती भी नहीं है बट ठीक है सलोनी और उसका ग्रुप ये सब जाने देता है वो बोलते हैं कोई बात नहीं इट्स इट्स ओके होता है ये सब सिया भी ज़्यादा फ़ालतू का पंगा ही नहीं करती तो सिया भी ऐसे बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं दीदी दी। क्या ही बोल सकते हैं इट्स ओके बट एक रात को क्या होता है ना सलोनी देखते हैं कि सिया के ना यहाँ पे डार्क सर्कल्स आ गए हैं सिया काफ़ी यू you नो know, टायर्ड सी लग रही है और ये एक दिन दो दिन तीन दिन एक हफ़्ता वो सर्कल्स जा ही नहीं रहे वो और और बढ़ रहे और वो टायरिंग सी लग रही है काफ़ी तो सलोनी पूछते हैं कि सिया क्या हो गया भाई तुम आजकल बहुत टायरिंग से लग रहे हो तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे तुम सोई नहीं हो रात को क्या हो गया सिया बोलती ऐसा तो कुछ नहीं हुआ दीदी मे बी मैं ज़्यादा पढ़ाई कर रही हूँ सेमेस्टर क्लोज आ रहे हैं तो मे बी इस वजह से थोड़ा टेंशन और थोड़ा प्रेशर की वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो बट हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो सलोनी नहीं बोलती ओके ठीक है, okay, uh, है थोड़ा ध्यान रखो अपना इतना प्रेशर मतलब फ़ालतू का सिया बोलती हाँ फिर कुछ दिन और हो जाते हैं एंड अब सिया का ना बिहेवियर भी चेंज होने लग जाता है लाइक like वो बोलती तो पहले भी नहीं थी किसी से ज्यादा बट अपने दोस्तों के साथ तो बोलती थी सलोनी के साथ बोलती थी बट अब सी एकदम शांत हो गई है बस आ रही है क्लास में अटेंड कर रही है चुपचाप उठ रही है और चली जा रही है और ये बिहेवियर जो उसका चेंज होता है वो सलोनी देख लेती है कि यार ये कुछ तो अजीब हो रहा है बट फिर वही है कि सलोनी फिर पूछती है एंड वही है उन्हें सबको लगता है कि मे बी ये प्रेशर की वजह से ही हो रहा हो कि ठीक है ज़्यादा प्रेशर आ रहा है आज सेमिस्टर क्लोज आ रहा है तो सब में ही प्रेशर था सब में कहीं कही ना कहीं सब अपने काम से काम रख रहे थे क्योंकि सबको पढ़ाई करनी थी तो ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही थी इस टाइम ये प्रेशर वाला माहौल चल रहा था तो सलोनी को लगता है कि ठीक है इट्स ओके हो जाता है कोई बात नहीं बट एक रात को कुछ बहुत अजीब होता है तो सलोनी ऐसे सो रही है रात के दो तीन बजे सलोनी की आँख खुलती है तो वो देखती है सिया ना पढ़ाई कर रही है सिया सो ही नहीं है क्योंकि सलोनी का बैठ के सामने सिया का बैठता तो सलोनी को पूरा दिख रहा था तो सिया आराम से मतलब पढ़ाई कर रही है ऐसे कुछ तो जैसे मम्मल नहीं करते ऐसे मतलब मुँह हिलाते हैं और तुम पढ़ रहे होते पर जोर से नहीं पढ़ रहे होते तो सिया वैसे ही कर रही होती है एंड सलोनी देखती देखते हो है ओके तो, ठीक है रात के तीन रहा भाई ठीक है कोई नहीं पढ़ रही है अच्छी बात है फिर सलोनी सो जाती है वापस फिर पाँच छः बज जाते हैं सबके उठने का टाइम हो जाता है तो सब उठ जाते हैं सलोनी भी उठती है तो वो देखती है सिया अभी भी पढ़ाई कर रही है तो सलोनी बोलती बाबरे ये पूरी रात पढ़ाई कर रही थी और उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में वो थी सेम उसी पोजीशन में बस ऐसे पढ़ रही है तो सलोनी उठती है और सलोनी उसके पास जाते हैं कि भाई कितना ही पढ़ाई कर लेगी ये क्या हो गया इसे पूरी रात पढ़ाई करेगी ऐसे तो कितना प्रेशर ले जाएगी तो सलोनी उसे देखने जाते है तो सलोनी जो देखती है ना उसे उसे बिलीव नहीं होता वो देखती है कि सिया उस टाइम पढ़ाई कर रही है बट नीचे देख के ऐसे पढ़ाई कर रही है बट नीचे बुक ही नहीं है नीचे कुछ भी नहीं है सिया बस ऐसे नीचे देख के मतलब बस होंठ ठी हिला रही है कुछ पढ़ रही है बट नीचे कुछ है ही नहीं तो सलोनी बोलती ये क्या हो गया सिया ऐसे करती है तो सिया उठती हाँ दीदी तो सलोनी बोलती क्या कर रही है तो मुझे लगा तू पढ़ाई कर रही है बट नीचे तो बुक ही नहीं है तो सलोनी बोलती मतलब मुझे कुछ समझ नहीं मतलब तो सिया कहती है मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हो तो सलोनी बोलती छोड़ जाते चला सुबह हो गया चला फ्रेश फ्रेश होते हैं नहाते धोते हैं फिर बाद में क्लासेस भी है तो चल तो सिया सलोनी चले जाते हैं तो ये एक इंसिडेंट होता है जो कि सलोनी को थोड़ा खटकता है कि भाई ये क्या सीन था तो ये सब नहाते धोते हैं सब कुछ फिर सब कुछ सही हो जाता है और ऐसे करके दो तीन दिन फिर बीत जाते हैं और चौथे दिन ये जो दिन होता है इसके मतलब ये एग्जैक्ट सलोनी ने बताया कि इसके तीन दिन बाद सलोनी और उसका ग्रुप बैठा हुआ है बात बात कर रहा है सिया एकदम से इनके पास आके खड़ी हो जाती है और सलोनी को बोलते हैं कि दीदी -दी, वो ना अपने साथ मंदिर लेके आई है पूरा उसका जितना भी साईं बाबा जी का मंदिर है वो ऐसे लेके आई है और बोलती दीदी मैं अपना मंदिर आपकी कब्ड में रख सकती हूँ कब्ट मतलब वो जो अलमारी सबको मिली होती है ना एक अलमारी तो बोलते ही मैं अपने मंदिर आपके कब्ट में रख सकती हूँ तो सलोनी बोलते क्यों सिया क्या हुआ एकदम से तो बोलती नहीं मतलब रख सकती हूँ क्या मैं तो सलोनी बोलते हैं कि सिया यार अभी तो ना जगह नहीं है कबट्ट में क्योंकि सलोनी के कब्ड में बिल्कुल जगह नहीं होती और अगर तुम्हें मंदिर रखना है तो ऑब्वियसली तुम्हें वो पूरा एरिया साफ़ करना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि कपड़े वपड़े रख दे उसी के बीच में तुमने भगवान जी रख दिया ना तुम्हें पूरा साफ़ करना पड़ेगा बट आ, सलोनी के कपट में बिल्कुल जगह नहीं होती तो बोलती कि सिया यार जगह नहीं है जगह होती तो रख भी सकते थे तुम बट देखो ना जगह ही नहीं है बिल्कुल भी कहाँ ही रखोगे तो सिया बोलती बात तो सही है आपकी कोई बात नहीं तो बोलती है सलोनी की सिया क्या हो गया तुम थोड़ी अजीब अजीब सी बिहेव कर रही हो काफ़ी टाइम से मैंने भी नोटिस करा है और यहाँ पे लोग भी नोटिस कर रहे हैं सब तो कुछ हुआ है क्या कुछ दिक्कत है तो सिया सलोनी के कान पे जाके बोलते हैं कि दीदी मुझ पर ना किसी ने काला जादू कर दिया और ये सलोनी सुनती है और सलोनी बोलती मतलब सिया ऐसा बोल के चले जाती है सलोनी बोलती है कि शेठ ये कुछ अजीब सी बातें हैं तो सलोनी फिर सिया के पास जाती है और बोलती है सिया देखो अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है अजीब सा भी लग रहा है तो एक बार चलो वार्डन से बात करते हैं वार्डन को पूरा चीज़ बताते हैं जो भी तुम्हें फील हो रहा है एक बार चल के बताते हैं तो सिया बोलती नहीं नहीं कोई कोई ज़रूरत नहीं ऐसा कुछ नहीं है साई बाबा जी है ना वो संभाल लेंगे सब कुछ बोल के सिया चले जाती है एंड सलोनी अब समझ नहीं आता कि वो क्या करे कि वो वार्डन को बताए एक तो सेमिस्टर भी क्लोज आ रहे हैं तो इन सब चक्कर में पढ़ना क्या सही है और उसे ये भी नहीं पता कि अब सिया सही कह रही है कि नहीं कह रही कि प्रेशर के मारे उसे ऐसा लग रहा है या क्योंकि उसने बस आके सिर्फ बोला और चली गई उसने कुछ बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ भी कुछ नहीं बताया तो सलोनी बोलते है, ओके ठीक है जब ज़्यादा होगा तो हम वार्डन को बताएंगे बट अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन स्टडीज़ क्योंकि अगले दिन एग्जाम भी है तो फालतू मत सोचा है स्टडी करो पूरे साल मेहनत करिए तो स्टडी करते हैं फिर सब लोग स्टडी करने बैठ गए एंड उसी रात को ये सब सुबह होता है ना उसी रात को क्या होता है कि ये सब पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे इन्हें कबट्ट जो इनका रूम होता है ना इनकी कबट अलग रूम में होती है वहाँ से इन सब को आवाज़ आती है सिया की सिया गाना गा रही है जोर से गाना गा रही है ये सब पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर गाना चल रहा है पहले इन्हें लगता है कि ठीक है वो साई बाबा के आरती कर रही होगी गाने गा रही होगी क्योंकि वो हमेशा ऐसे सुबह और रात को करती थी बट वो जोर ज़ोर ज़ोर जोर से गाने गाने लग रही है लग रही है और वो बंद ही नहीं हो रहे काफ़ी टाइम हो चुका है वो गाने गा रही है गा रही है और बंद ही नहीं हो रहे तो इन्हें भी लगता है क्या हो गया उससे आज इत मतलब इत, इत, इतने हाई वॉल्यूम में और ये क्या हो गया एकदम से तो अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं ग्रुप में वो देखते हैं कि सिया कवर्ड रूम से भगते हुए आती है और इनका ऐसे डोर है इस साइड ना ऐसे इस साइड डोर है ये सब इस साइड फेस करके बैठे इस साइड डोर है इधर से तुम एग्जिट करता हूँ जहाँ से भगते हुए जाती है तो इन्हें ऐसे दिखती है जाते हुए एक नज़र में तो सलोनी और उसका ग्रुप देखते हैं सिया भगते हुए जा रही है और गाना गाते हुए जा रही है तो सलोनी और उसके दोस्त भी उसके पीछे भागते हैं कि भाई क्या सीन है चलो इसे पकड़ते हैं तो जैसे उसके पीछे जाते हैं सलोनी और उसका ग्रुप देखता है कि सिया स्टेयर्स होती है जो एकदम छत की तरफ जा रही है उसमें भगते हुए जा रही है स्टेयर्स में और ये सब जब सलोनी देखते हैं उन्हें समझ आता है कि शर्ट ये स्टेयर्स की तरफ भक्के क्यों जा रही है इसे क्या हो गया और ये इतना वियर्ड बिहेव कर रही है तो कुछ तो अजीब सीन है सलोनी और उसका ग्रुप पूरी पूरी जान से भागते हैं बट सलोनी का बताना है कि सिया इस टाइम बहुत स्पीड भाग रही होती है मतलब सलोनी और वो पूरी स्पीड से भाग रहे हैं बट स्टिल उन्हें सिया बहुत दूर दूर जाती हुई दिख रही है बट वो फिर भी भागते भागते और सिया ना एकदम छत में आके खड़ी हो जाती है और गाने गाने लग रही है वो गाने स्टॉप नहीं हुए वो गाने चल ही रहे हैं एंड सलोनी फुल स्पीड में जाती है उसका ग्रुप जाता है और वो सब ना सिया को पकड़ लेते हैं और पूरा ऐसे ज़ोर से पकड़ते हैं तब तक वार्डन वार्डन को भी वो बुला लेते हैं सलोनिया से चिल्लाते जाते हैं ना वार्डन वार्डन करके भगते जब सलोनी जाती है तो सब पकड़ते हैं वार्डन भी आ जाती है सब आ जाते हैं और सिया वहाँ बेहोश हो जाती है तो सलोनी और वो सब इसे कैसे करके नीचे लेकर आते हैं सब उठा कर काफ़ी भारी उसकी बॉडी हो गई होती है क्योंकि कहते हैं कि जब बॉडी बेहोश हो जाती है या हिलती नहीं है ना बॉडी जब भी तो ज़्यादा भारी हो जाती है तो काफ़ी भारी होती है तो काफ़ी लोग चाहिए होते हैं तो सलोनी और उसका ग्रुप कैसे कैसे करके उसे सिया को उठाता है और नीचे लेकर आता है रखते हैं उसको पहले पानी वानी पिलाते हैं उसे होश में मिलाते हैं और सलोनी फिर वार्डन को बताती है कि ऐसा ऐसा जी बिहेव कर रही है और ये बता रही थी कि इस पर ब्लैक मैजिक कुछ किया है तो आई थिंक इसके घर वालों को बुलाना चाहिए तो वार्डन फिर कॉल करती है एंड उसके घर वालों को बुलाती है सिया के घर वाले आ जाते हैं तो अब उन्हें बोलती है वार्डन कि आप हमें लगता है कि आपको अपनी बेटी को ले जाना चाहिए क्योंकि वो मैंटली स्टेबल नहीं लग रही इस टाइम घर वाले बोलते हैं कि क्या हो गया मतलब अजीब से ऐसे बिहेव कर रही है आपको तो आइडिया होगा तो वार्डन बोलती है, हमें ऐसे कुछ खास आइडिया नहीं है बट वो कह रही थी कि कुछ ब्लैक मैजिक कर रहा है ये वो तो पेरेंट्स बोलते भाई लगाओ पता किसने किया ये क्या सीन चल रहा है तो अब ऐसे तुम ऐसे हर ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ है जो तुम पता लगा ही नहीं सकते कैसे लगाओगे ये कोई मर्डर नहीं है कि तुम पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हो कोई कोई बस ऐसे मंत्र पढ़ के करके चला जाता है तो ये मतलब इम्पॉसिबल ही था पता लगाना बट सलोनी को कहीं ना कहीं लगता है कि वो दो जो लड़कियाँ थी वो थी क्योंकि ये सब जब हो रहा था ना हर टाइम जब ये सारी चीज़ हो रही थी वो दो लड़कियाँ वहीं आस दिखती थी जब ये लोग भगते हुए उसके पीछे गए थे तो वो दो लड़की दो तीन लड़कियाँ जो थी वो ऐसे खड़ी होकर देख रही थी उसे सिया को और बस जा रही है ऊपर बट अब सलोनी की भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो इन दो लड़कियों से पंगे रहें क्योंकि उस पर कोई प्रूफ नहीं है कुछ नहीं है सीधा जाके तुमने ऐसा किया तुमने ऐसा किया नहीं बोल सकती क्योंकि ऑब्वियसली जो सामने वाला है भाई उन्हें उन्हें तुमसे ज़्यादा आता है वह ख़तरनाक चीज़ें आती हैं तो तुम ऐसे एकदम से जाके नहीं बोलोगे तुमने किया ये सब तुमने किया है मुझे पता है ब्ला 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 है ना पर सलोनी सलोनी को कहीं ना कहीं दिल में लगता था कि इन्होंने किया है बट भई है प्रूफ़ नहीं है तो तुम प्रूफ कर ही नहीं सकते कि इन्होंने किया तो ऐसा होता है कि फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है भाई हम अपने बच्चे को ले जा रहे हैं एम बी बाद में होती रहेगी फ़िलहाल हमारे लिए उसकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है तो वो सिया के पास जाते हैं सिया अभी भी ऐसे एकदम शांत बैठी हुई है जैसे उसके घर वाले जाते हैं सिया ऐसे गुस्से में खड़ी होती है और वो बोलते हैं कि सिया बेटा चलो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा चलो अब टाइम आ गया हमें घर जाना है तो वो सेलोनिया बताना है सिया उस टाइम ऐसे रोने लग जाती है रोते रोते भाग जाती है और वो इतनी स्पीड भागती है कि उसके हॉस्टल के जो पेंट्री वाले होते हैं जो भी कैंटीन वाले होते हैं जो भी मतलब ये वर्कर्स होते हैं सब उसके पीछे भागते हैं सिया को पकड़ने बट कोई पकड़ नहीं पा रहा सिया बस भागे जा रही है और उसके पीछे ये सारे लड़के भाग रहे हैं सब भाग रहे हैं बट कोई पकड़ नहीं पा रहा बट वही है एक टाइम बाद सियाह फिर खड़ी हो जाती है एक ही जगह ऐसे एकदम फिर भी होश हो जाती है वहाँ पर इस बार उसे सब पकड़ते हैं उसके घर वाले उसे बिठाते हैं कार में कैसे कैसे करके और ले जाते हैं और सलोनी ने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी और उसे बहुत अंदर से डर लग गया ये सब चीज़ें देख कर शेठ भाई ये क्या हो रहा है और उसे उन दो लड़कियों से भी काफ़ी डर लगने लग रहा है क्योंकि वो हर जगह थी जब ये स्टेयर वाला केस हुआ जब उसके घर वाले आए वो भाग रहे तब भी वो दो लड़कियाँ वहीं थी बस देख रही है उनके सबके ना सलोनी ने एक चीज़ नोटिस करी थी जितने भी आसपास के सबके चेहरे में से डर था खौफ था उसे देख के कि ये चल क्या रहा है ये तो हमारे साथ भी हो सकता है अगर इसके साथ हुआ है तो बट वो जो दो तीन लड़कियाँ थी वो एकदम ऐसे एकदम सीरियस होकर देख रही है और उनके उनके चेहरे में कोई डर नहीं है कोई कोई यू you नो know, आश्चर्य जो होता है ना एकदम शॉकिंग शॉकिंग सा फेस जो होता है वो कुछ भी नहीं है वो एकदम ऐसा कि अच्छा ठीक है ये हो रहा है बस ऐसे सीरियस होकर देख रही हैं सो so, सलोनी पहले ये सब देखती है उन तीन लड़कियों को देखती है बट वो सब चीज़ें भुला कर सलोनी बोलते हैं शर्ट वैर जाके वो सिया से मिलने की कोशिश करती है बट सिया इस टाइम मिलने की हालत में नहीं होती कि किसी से भी मिले तो उसके घर वाले बस सलोनी से मिलता है बोलते हैं ठीक है बेटा हम जा रहे हैं ये वो करके सलोनी बोलते है कि सिया ठीक हो जाएगी तो उसे आप ले आना क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स भी है आने वाले फ्यूचर में अभी फ़ाइनल एग्ज़ाम्स भी होंगे तो देख लीजिएगा तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो तुम पढ़ाई करो कह के सिया और उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और ऐसे ही कर करके सलोनी के मतलब मन में ये आज तक है कि आखिर हुआ क्या था किया किसने था ये आज तक प्रूव ही नहीं हुआ कि आखिर किया किसने था और कैसे किया था सिया के साथ ऐसा क्यों हुआ बट कहीं ना कहीं सलोनी को यही लगता है कि इन सब चीज़ों में वो जो दो तीन लड़कियाँ थीं उनका तो हाथ है और उन्होंने ही किया है बट स्टिल मतलब ये चीज़ ऐसी है कि तुम प्रूव नहीं कर सकते तो कुछ हो ही नहीं सकता वेल फाइनल एग्जाम नज़दीक आते हैं और ये सब बस तैयारी कर रहे हैं अभी एग्जाम सेंटर में बैठे हैं देने बैठे हैं कि ये देखते हैं कि एकदम से सिया भी आती है उसके घर वाले उसे फाइनल एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए लेके आए होते हैं सिया आती है और आके एग्ज़ाम देने लगती है बट जो उसकी हालत होती है ये इस इस चीज़ को बहुत टाइम हो चुका है जब पेरेंट्स उसके सिया को लेके गए थे उसको और ये जो फाइनल एग्ज़ाम है इसके बीच बहुत टाइम हो चुका है बट अभी भी जब सिया आती है वो चुपचाप बैठी है एग्ज़ाम दिया उठी चली गई और ये सब सलूनी के मुँह के सामने हुआ रहा है उसकी दोस्त आई है कुछ देखा नहीं कुछ ऐसे आस पास नहीं देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा पुराने दोस्तों से नहीं मिली बस आई है एग्ज़ाम दिया उठी चली गई इसका मतलब कि अभी भी कहीं ना कहीं सिया को उसके पेरेंट्स लेके गए हर जगह दिखाया बट स्टिल कहीं ना कहीं सिया पे वो चीज़ें अभी भी इफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी भी हटी नहीं है जो कुछ भी तुम कह सकते हो ब्लैक मैजिक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या कुछ भी कह सकते हो जो सिया पे हुआ था वो इतने टाइम बाद भी सिया को अफेक्ट कर रहा है सो दैट वॉज क्वाइट शॉकिंग क्योंकि सबको अब लगा था कि सिया ठीक हो गई होगी बट स्टिल उसको अभी भी वो सारी चीज़ें हॉन्ट कर रही है सो so, ये थी आज की स्टोरी का जिसमें अभी तक पता ही नहीं चला कि आखिर किया किसने था कौन कौन जिम्मेदार था इन सब चीज़ों का बट जो भी हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा टेरीफाइंग था सलोनी के लिए भी और सिया के लिए भी सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस आई होप कि तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ज़रूर क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो बस देखते हो हाँ देख तुम सब रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे देख रहा हूँ मैं सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़ बाय बाय एंड टेक केयर